हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पहली जर्नी वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि मैंने चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बटूर तक के लिए की थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ये चेन्नई सेंट्रल, जहाँ बिल्कुल टाइम से पहुँचे थे हम लोग, मतलब 10-5 मिनट पहले ही पहुँचे थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:57 हो चुका है और हमारी ट्रेन 2:15 पे करेक्ट चल देगी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे स्टेशन पहुँचने में, तो इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, लेकिन जो भी है सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये देखिए, हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, फटाफट हम लोग इस पर बैठ जाएंगे। तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि कैसा, मतलब कैसा लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो फाइनली मैं आकर के बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 2:15 की ट्रेन थी, तो 2:15 में बिल्कुल चल दी है। बिल्कुल भाग भाग करके आए हम लोग, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो फिर लेट हो गया था। तो ये देखिए, हमारी ट्रेन चल चुकी है। तो इस ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन चेन्नई और लास्ट कोयम्बटूर है, जहाँ तक कि हम लोग को जाना है। तो बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें। तो चेन्नई से लगभग 500 किलोमीटर पे है कोयम्बटूर, जो कि इसने 6 घंटे में कवर कर लिया था। हम लोग 8:15 पे पहुंच जाएंगे। तो बस कुछ ऐसे ही बाहर के नज़ारे देखते हुए चलते हैं। तो जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, वैसे ही 5 मिनट के बाद हम लोगों के पास यहाँ पे न्यूज़पेपर आया। तो सबको न्यूज़पेपर मिलता है, फिर उसके बाद पानी की बोतल भी मिली थी, और फिर यहाँ पे 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे स्नैक्स आ गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्नैक्स में ये सेब और चिक्की और यहाँ का फेमस वड़ा, जो कि यहाँ साउथ इंडिया साइड वड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इसलिए मतलब यहाँ का फूड ही है। तो ये भी मिला था, और ये जूस मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पे चाय के लिए हम लोगों को गर्म पानी दिया, और ये देखिए इंस्टेंट टी का पैकेट मिला था, जो कि अपने आप से ही बनानी होती है। तो यहाँ मैं अब अपनी चाय तैयार कर लूँगी, और चाय पीते पीते मैं इस सफ़र का मज़ा लूँगी। तो ये देखिए, बाहर कितनी अच्छी ग्रीनरी है और पहाड़ हैं। तो चाय पीने के बाद और इस व्यू लेने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी और सब लोग सोने भी लगे थे। तो इधर उधर देखने के बाद कि यार फ़ोन चार्ज करने के लिए स्विच कहाँ है, तो काफ़ी ढूंढने के बाद देखा क्या, सीट के नीचे लगा हुआ था जहाँ हमने फ़ोन चार्ज किया। तो अगर आप भी कभी वंदे भारत की जर्नी, मतलब ट्रैवल करते हैं वंदे भारत से, तो आप लोग भी ऐसे ढूँढिएगा मत, बस चेयर के नीचे ही लगा रहता है।
तो यहाँ पर फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं फिर से बाहर देखने लगी और अंदर यहाँ देखिए सब लोग आराम से सो रहे थे और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रेन वगैरह में मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। तो मैं बस बाहर का व्यू देख रही थी या फिर कभी अंदर देख रही थी, बस यही करते करते ये सफ़र चलता रहा। तो ये बाहर का व्यू देखते देखते शाम होने लगी थी, फिर मैंने देख सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन खोला और फ़ोन पे देखिए वाईफाई, जैसे ही खोलेंगे आप तो वाईफाई कनेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से जब कनेक्ट करेंगे तो इनके खुद के कुछ चैनल मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता है कि आप देख लें, बस यही मतलब ये तमिल लैंग्वेज के कुछ ऐसे शो रहते हैं, मूवी रहती हैं, बहुत थोड़े बहुत। अगर बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हों तो आपके लिए ये ऑप्शन भी है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बस मैंने तो नहीं देखा था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आएगा, अगर आपको आता है तो आप देख लीजिए। ये करते करते हमारा रात का खाना आ गया, तो चलिए देखते हैं खाने में क्या है। तो खाने में थी दाल और पनीर की सब्जी और चावल और दो चपाती। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे एक अचार भी मिला हुआ था, अचार का पैकेट और दही भी मिला हुआ था। तो काफ़ी टेस्टी खाना था, वैसे नॉर्मली ट्रेन का खाना इतना अच्छा नहीं रहता है लेकिन यहाँ का खाना काफ़ी ठीक ठाक लगा। फिर खाने के बाद यहाँ पे मीठे में इन लोगों ने आइसक्रीम सर्व की, फिर खाने के बाद मीठा कैसे ना खाया जाए, फिर आइसक्रीम खाई और बस तब तक की पहुँच चुके थे हम लोग। ऐसे ही खाते पीते हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। तो 8:15 पे हम लोग पहुँच गए कोयम्बटूर। तो ट्रेन से हम लोग उतर जाएंगे और अब आप लोगों को अगर हमारा ये कोयम्बटूर का ब्लॉग चाहिए तो बताइएगा। इसी तरीके से टूटा फूटा हमने बनाया हुआ है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मैं ब्लॉग शूट करते करते अपना बैग यहीं पे भूल गई थी और फिर उसके बाद वापस से गई, मतलब ये पति गए मेरे और बैग लाए जाके इनको लगा कि मैंने ले रखा है और मुझे लगा कि ये ला रहे होंगे, मतलब ये लेकर के आगे उतर गए। तो इस तरीके से हम लोग को हम दूर जंक्शन पहुंच चुके थे, अब यहाँ पे होटल वगैरह लेंगे। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को कोयम्बटूर का ब्लॉग चाहिए, टेक चाहिए तो टेक केयर, बाय बाय।